क्या आपको भी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी है? अगर है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिससे आपकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। इस पौधे का नाम है कासनी। कासनी दुनिया का सबसे चमत्कारी पौधा है। ये हम नहीं बल्कि डॉक्टर्स कहते हैं। हल्द्वानी में सुशील तिवारी अस्पताल के डॉक्टर अब मरीजों को दवा के रूप में कासनी के पौधे का उपयोग करने के लिए लिख रहे हैं। पेड़ पौधों की दुनिया का सबसे चमत्कारी पौधे के बारे में आज हम आपको बताते हैं। किडनी, ब्लड शुगर, लीवर और कई बीमारियों में इस मेडिसिन पौधे की पत्तियों का सेवन करने वाले मरीजों के लिए ये रामबाण का काम कर रही है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इन पौधों की मांग न केवल देश भर में है बल्कि विदेशों तक के डॉक्टर्स इन रोगों से ग्रसित मरीजों को कासनी के सेवन की सलाह दे रहे हैं। हल्द्वानी वन एवं अनुसंधान केंद्र की औषधीय पौधाशाला में यह पौधा तैयार किया जाता है। हल्द्वानी स्थित वन अनुसंधान केंद्र पर अन्य औषधीय पौधों के साथ कासनी नामक औषधीय पौधों को भी संरक्षित किया जाता है। आपको बता दे, ये मूल रूप से यूरोप के देश में पाई जाती है। भारत में ये पौधा हिमाचल और जम्मू कश्मीर के निचले क्षेत्रों में पाया जाता है। कासनी का औषधि प्रयोग कोई नया नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध पद्धति से इस वनस्पति की औषधि बनाई जाती है। बहुत सी दवा कंपनी इसके सॉल्ट को लीवर, बुखार, पेट रोगों की दवा में प्रयोग करते हैं। देखिए, कासनी का पौधा, ये जैसा आपने कहा चमत्कारी है, वाक्य में चमत्कारी है। ये औषधि पौधा प्रकृति का ही पौधा था, नेचर से थोड़ा लुप्त हो रहा था। तो इसको 2013-14 में हमने यहाँ पे इस वन अनुसंधान केंद्र में इसको तैयार किया और धीरे धीरे कई तरह के रोगियों पे इसको आजमाया गया, शुगर के, ब्लड प्रेशर के, लीवर के और किडनी पेशेंट को। तो जैसे जैसे लाभ होना स्टार्ट हुआ तो हम इसको मास प्रोपोगेशन कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी तक 2014 से लेके अब तक का लगभग 2 लाख से ज़्यादा पौधे ऑल ओवर इंडिया इसके जा चुके हैं और इससे एक रेवेन्यू भी सरकार को मिल रहा है और लोगों का स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। कौन कौन सी बीमारी? देखिए, ये शुगर को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, लीवर में भी काम करता है, लीवर इन्फेक्शन हो जाए, लीवर सोराइसिस को भी कम करता है। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो रोल इस समय है वो है किडनी के लिए। जब क्रिएटिन लेवल बढ़ता है तो उसको इसकी पत्तियां डिक्रीज करती है। और जो लोग डायलिसिस करा चुके हैं, जिनकी काफ़ी किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, वो डायलिसिस कर रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर पत्ते प्रोवाइड कराते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी लाभ देखा गया है। हाँ, हम इस वन अनुसंधान केंद्र में पौधे तैयार करते हैं, हर समय में हमारे पास पौधे तैयार रहते हैं। तो एक उसका निर्धारित प्राइस हमने 20 रुपये एक पौधे का फिक्स किया हुआ है, उसके कोई भी आदमी आके उसको ले जा सकता है और वो धनराशि हम सरकार के, उत्तराखंड सरकार के राजस्व में जमा करते हैं। तो गवर्नमेंट को एक राजस्व भी प्राप्त हो रही है इस पौधे की वजह से। और स्वास्थ्य लाभ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोगों को, एक हमारे पास फीडबैक इसका है, जिससे लोगों को लाभ हो रहा है, वो यहाँ के द्वारा फीडबैक देता है, तो काफ़ी लोगों को जो है इससे लाभ हो रहा है।